नमस्कार, बिहारी प्रतिभा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। हमारे साथ अभी लखीसराय के छात्र नेता संगम यादव जी हैं, जो कि सीटेड का मुद्दा अभी काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, उसको लेकर आज वो सचिवालय बोले तो राबड़ी देवी आवास, उसके बाद से फिर आरजेडी कार्यालय गए हुए थे। क्या अपडेट है आज का, आइए उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है संगम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का क्या अपडेट है? देखिए, हम कल ही आए हैं लखीसराय से पटना। यहाँ आने के बाद हम सचिवालय गए, वहाँ पर मैंने अपना ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मंत्री तो नहीं थे, ऐसा सबको पता था कि कल वो गए थे अपना क्षेत्र भ्रमण में थे। मैंने वहाँ से अपर मुख्य सचिव भी एक अर्जेंट मीटिंग कर रहे थे, उनके जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे मैंने बात किया, क्योंकि सेक्रेटरी को ही जो करने वाले रहते हैं वो बात पता रहता है। अपर मुख्य सचिव से भी बिल्कुल, जब हम लोग यानी कि यहाँ पर आए गए थे इधर आरजेडी कार्यालय, वहाँ पर अध्यक्ष महोदय का सम्मान समारोह चल रहा था, उसमें भी मैंने ज्ञापन देने का काम किया, जहाँ पर आरजेडी के तमाम बड़े नेता दिग्गज उपस्थित थे, जिसमें शक्ति यादव हो गए, श्याम रजक जी हो गए, प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हो गए, ऐसे तमाम नेता थे। वहाँ पर मैंने ज्ञापन दिया कि और सरकार से अनुरोध किया कि सर, आप लोग की सरकार है और युवाओं की सरकार है, आपने जो वादा किया था वो पूरा किया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप ही लोग का सरकार है, हम जो है थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में विज्ञप्ति आने वाली है, सोच समझ करके नियमावली ठोस बना करके आप लोग की विज्ञप्ति जल्द से जल्द देने का कृपा करेंगे। फिर मैंने कहा कि सर, हम लोग तो बहुत दिन से यही सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी सरकार नहीं थी, अब मेरी सरकार आई है और हम ठेठ बिहारी हैं तेजस्वी जी, ये जब कहे हैं तो अपनी बात को मानेंगे। फिर मैंने वहाँ से जब निकला आरजेडी कार्यालय से, तो फिर तेजस्वी जी के आवास में गया, करीब 7 बजे, बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पर, अपना मुलाकात किए, बात को उतना ढंग से नहीं रख पाए थे। फिर भी सातवां चरण का देखे होंगे बहुत सारा चैनल में चला है, सीटेट बीटेट का मुद्दा, लेकिन आज कैबिनेट का अहम बैठक था, मैंने सोचा कि जो है जाने वक्त, जिस वक्त कैबिनेट में जा रहे थे मीटिंग करने के लिए तेजस्वी जी, उस वक्त मैंने अपनी बात को ज्ञापन दिया और सर से मुलाकात भी किया। तेजस्वी जी बोले कि आप लोग का काम चल रहा है, बार बार एक ही मुद्दा के लिए हम लोग को पुश कर रहे हैं, बहुत जल्द ही आप लोग को विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, इसके लिए चिंता नहीं करें, यही अपडेट है। तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी लगातार आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ, आश्वासन दे रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम अब हमारी सरकार एक महीना भी बनी हुई पूरा नहीं किया है, कम से कम इंतज़ार थोड़ा करिए, क्योंकि विज्ञप्ति 10 लाख की नौकरी की बात है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चाह रहे हैं कि विज्ञप्ति जारी हो। इसके लिए मैंने शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग में रिक्ति का ब्यौरा मांगा है और काम आपका चल रहा है, जल्द ही आप लोग की बहाली होगी। तो ये थे सीटेड अभ्यर्थी संगम यादव, जो कि आरजेडी कार्यालय से लेकर सचिवालय से लेकर तेजस्वी यादव जी से मिले, लगातार आश्वासन मिल रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि आप लोगों का काम जो चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और आप लोगों की जल्दी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब ये जल्दी कब आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।